वेलकम बैक टू अनदर बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो आज हम लोग देखें कल यानी कि 22 सितंबर को बैंक निफ्टी के अपने कौन से बाइंग और सेलिंग लेवल्स रहने वाले। तो कल एक्सपायरी होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपायरी हो सकता है। चांसेस आर वेरी हाई कि ऑल टाइम हाई कल ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ही, क्योंकि आज जो हम लोग ने देखा मॉर्निंग में अपने को सेलिंग प्रेशर देखा, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो बॉटम से पुल बैक बहुत ही अच्छा लाइक 350-400 पॉइंट्स का अपने को पुल बैक दिखा, विच इज अनएक्सपेक्टेड। मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था, उसके लिए ही मैंने डे एंड पहले ही कर दिया था, लाइक पुल बैक मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था ऑलरेडी कि यहाँ से पुल बैक आना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग से वन साइड गिर रहा था। तो मतलब कभी भी मार्केट जो प्राइस एक्शन रहता है सिंपली वो एक साइड मतलब एक डायरेक्शन में चलते नहीं जाता है, लाइक थोड़ा करेक्शन आता है फिर गिरता है, थोड़ा करेक्शन फिर गिरता है, ठीक है। जो भी मार्केट अपसाइड जाता है 90 डिग्री वो भी गिरता है, जो भी फटाक से नीचे आता है वो भी अपसाइड आता ही है, ठीक है। तो कभी भी मार्केट गिरता है तो हमेशा ऐसा गिरना चाहिए, ठीक है, और चढ़ता है तो मार्केट हमेशा अपसाइड ऐसा जाना चाहिए। जो भी 90 डिग्री में गिरेगा पुल बैक भी वी शेप में ही करेगा वो, सिंपल। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, यही मार्केट का लाइक ऐसे ही मार्केट वर्क करता है, जैसे आप लोग ने आज देखा। इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, सिंपल था बस, ठीक है। तो अभी जो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, आज का कैंडल 41,203 पे अपने को क्लोजिंग मिला। आज का कैंडल जो फॉर्म हुआ है इनडिसिसिव कैंडल है, ना तो बाइंग साइड है ना सेलिंग साइड है, एक दोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। लेकिन जब तक मार्केट 41,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है तब तक मार्केट इज वेरी बुलिश, और जितना ज़्यादा ऊपर साइड टाइम स्पेंड करेगा उतना ही चांसेस बढ़ जाएगा कि अपसाइड अच्छा रैली देखने मिल सकता है अपने को। जब भी 41,800 को निकालेगा एटलीस्ट हम लोग 300-400 पॉइंट प्लान कर सकते हैं। 42,200 तक बैंक निफ्टी वन साइड मूवमेंट दे सकता है जब भी 41,800 को निकालेगा, तभी चांसेस है कल भी निकालेगा, फ्राइडे को भी निकाल सकते हैं, मंडे को भी निकाल सकते हैं, हम लोग को वेट करना पड़ेगा लेवल के लिए, ठीक है। तो सेलिंग हम लोग इसके नीचे ही प्लान कर सकते हैं कि 41,300 के नीचे अपने को 40,300 के नीचे निकलेगा तभी अपने को एक सेलिंग देखने मिल सकता है। जब तक अपसाइड है हम लोग बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लाइक पोजिशनल बेसिस। अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। तो 15 मिनट पे चार्ट पे आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी ओपन होते ही यहाँ से अपने को एक सेलिंग देखने मिलता है। बैंक निफ्टी ओपन होते ही अपने को एक सेलिंग देखने मिलता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम लाइक 50% जितना पुल बैक आना चाहिए यहाँ से, पुल बैक आना चाहिए यहाँ से अपने को, और एक सेलिंग कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ से पुल बैक के बाद और एक पुल बैक आ गया, और ये पुल बैक आने से पहले मैंने ऑलरेडी डे एंड कर दिया था, मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं था, आफ्टरनून सेशन में एक भी ट्रेड नहीं किया। तो मॉर्निंग में ही मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन मैं ज़्यादा ग्रीडी नहीं होता हूँ, आपको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको भी बताया कि आपने यहाँ पे पुट लिया रहेगा तो आपका जो मॉर्निंग में प्रॉफिट था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया रहेगा, ठीक है। तो और इतना पुल बैक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इतना नेगेटिव मार्केट में इतना बाइंग लाइक 350-400 पॉइंट्स का अपने को अपसाइड मोमेंटम देखने मिला वन साइड, ठीक है। तो होते रहते हैं, मार्केट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन जब भी आपके फेवर में चल रहा है तभी उसको मैक्सिमाइज करो, अच्छा खासा प्रॉफिट बना लो, ठीक है। तो कल हम लोग अभी क्या प्लान कर सकते हैं, हम लोग सेलिंग के लिए अपने को ये वाला लेवल मिल गया 41,000 के नीचे आएगा। अभी 41,000 से अपने को ये वाला बाइंग मिल गया, अभी हर एक टाइम ऐसा रिपीट नहीं होता। अभी फिर से बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे नीचे आने के बाद रिटेस्ट करेगा और एक सेलिंग अपने को देखने मिल सकता है। अभी ऐसा चांसेस नहीं है कि यहाँ से फिर से नीचे आने का फिर से अपने को एक 300-400 पॉइंट्स का रैली देखने मिले, ठीक है। होएगा, लेकिन बैक टू बैक 2-3 दिन में एक बार हो गया तो 2-3 दिन में वो रिपीट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली अगर ये रेंज के बीच में अगर ओपन होता है 41,000 और 41,300 के बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो जो भी साइड ब्रेकआउट देगा चांसेस आर वेरी हाई अपसाइड अपने को बाइंग अच्छा दिखा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि अभी 41,300 को निकालता है तो अपने टारगेट हो जाएगा 41,450 एंड 41,600 के, दो टारगेट्स हो जाएगा इंट्राडे में। और अगर 41,600 को ब्रेकआउट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है कम से कम 30 30 मिनट्स या 45 मिनट्स यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो चांसेस वेरी है कि ऑल टाइम हाई तक भी कल बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, टाइम बहुत मैटर करता है। अभी 245 के बाद अपसाइड में निकलेगा तो बहुत ही लाइक चांसेस कम है, एक तो ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा डीके हो जाता है, बहुत वॉलेटाइल हो जाता है। तो ट्राई करो कि जो 20-30 रुपये वाला ऑप्शन है ना, अगर 2 बजे के बाद या 2:45 के बाद अपने कोई लेवल ब्रेकआउट मिलता है तो ज़्यादा डीप इन द मनी कुछ बाई मत करो, सिर्फ कम प्रीमियम वाला लो, जो 25-30 रुपीज़ वाला रहता है उसके ऊपर फोकस करो ज़्यादा। लाइक 70-80 वाला फोकस मत करो, बहुत ही 70-80 वाला 2 मिनट में ही 20-30 रुपये पे भी आ सकता है आपके अगेंस्ट में थोड़ा सा भी मार्केट गया तो ट्राई करो कि कम क्वांटिटी मतलब कम प्रीमियम वाला लो, उसको मैक्सिमाइज करो हमेशा, ठीक है। तो 2:30 के बाद मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ कि लेवल ब्रेकआउट किया तो फेक ब्रेकआउट भी हो जाता है, लाइक ऐसा वीक भी बन जाता है। तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ 2 बजे के बाद या 2:30 के बाद ट्रेड करने के लिए।
वैसे ही सेम अगर यहाँ पे अपने को गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो ही हेल्दी ब्रेकआउट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना गैप अप ओपन हो गया है तो यहाँ पे फ्रेश बायर घुसने चाहिए। अभी ऐसे ही ऊपर चढ़ता जाएगा गैप अप ओपन होने के बाद तो गिरेगा भी वैसे ही, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो जाए, और अगर कल बैंक निफ्टी ये लेवल के पास गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है जो कि चांसेस बहुत कम है कि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के, लेकिन यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी हमारे कैंडल अपने को दिखता है 40,600 के ऊपर, तो हम लोग वहाँ से बाई कर सकते हैं और अपने टारगेट्स हो जाएंगे 40,800 एंड 40,950 के अपने जो टारगेट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे अपने को कोई भी अगर नेगेटिव कैंडल दिखता है 41,000 के आसपास तो हम लोग वहाँ से एक सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कल चांसेस है कि मार्केट कल बुलिश देखने मिलेगा। बाद में डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, फर्स्ट 5 मिनट्स में मार्केट का मूड पता चल जाता है, जो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ फर्स्ट 5-10 मिनट्स में ही, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और कमेंट डाउन दे लो कि कल मार्केट क्या क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, क्या कल मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है कि नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर वीकली एक्सपायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।